नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मनमोहन सिंह का पीएम मोदी पर हमला, बोले कांग्रेस की सरकार ने किए थे कई सर्जिकल स्ट्राइक। चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक रैलियों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए पूर्वी की कांग्रेस सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगा रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस आरोप का जवाब दिया और पुलवामा आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे समय में कई सर्जिकल स्ट्राइक किए गए। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दी उन्होंने जानकारी में बताया कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना अस्वीकार्य है। सबसे सुरक्षित नेशनल हाईवे पर पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। यह गंभीर खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विफलता था। मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने आईईडी हमले के बारे में ठोस खुफिया सूचनाओं को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा एक आतंकवादी संगठन की वीडियो चेतावनी पर भी आंखें बूंदे रखी। लाल सागर में फंसे शत्रु देश ईरानी के पोत की सऊदी अरब और ईरान में दुश्मनी जग सऊदी अरब और ईरानी में दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन इस दुश्मनी को किनारे रखकर सऊदी अरब के तटरक्षक बल ने एक ईरानी तेल टैंकर की मदद की। इंजन खराब होने से वह लाल सागर में फंस गया था। इस पोत पर चालक दल के 26 सदस्य सवार थे। इसमें 24 ईरानी और 2 बांग्लादेशी नागरिक थे। सऊदी तटरक्षक बल से समय पर मदद मिलने के कारण सभी सकुशल है। सऊदी हैप्पीनेस एक नामक पोत के कैप्टन ने इंजन बंद होने पर नियंत्रण खोने के कारण मदद मांगी थी। उन्होंने पोत को खींचकर किनारे ले जाने का आग्रह किया था। चट्टान के टकराने से चांद पर हो गया गड्ढा। वैज्ञानिकों ने पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान देखी थी घटना। इस साल 21 जनवरी को जब धरती पर लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण देख रहे थे, ठीक उसी वक्त चांद से एक आकाशीय चट्टान टकराई थी। टकराते समय इसकी गति 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसके टकराने से चांद की सतह पर 10 से 15 मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। चंद्र ग्रहण पर नजर रख रहे वैज्ञानिकों ने उस टक्कर के समय वह हल्की सी चमक देखी। जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी तीनों एक सीधे में आ जाते हैं तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चांद पूरी तरह से धरती की परछाई से ढक जाता है। इस स्थिति में धरती के वातावरण से परावर्तित होने वाली किरणों के कारण चांद का रंग लाल हो जाता है। इस साल 21 जनवरी को पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ था। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।